महोदय, मुझे इस संबंध में एक बात और कहनी है। वह यह है कि मुझे मुख्य आयुक्त के भाषण के अनुसार यह आशा थी कि सरकार मजदूरों की उन्नति के लिए, उत्थान के लिए, उद्योगों के विकास के लिए और गांव की अवस्था सुधारने के लिए टेक्निकल प्रशिक्षण देने का काम करेगी, लेकिन ऐसा ज्ञात होता है कि आर्थिक शक्ति सीमित होने के कारण इस ओर कार्यवाही करने की संभावना नहीं रही। फिर भी मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में हमारा मंत्रिमंडल इस ओर अवश्य अविलंब ध्यान देगा। इसी प्रकार से ग्रामीणों की अवस्था सुधारने के लिए सरकार घरेलू उद्योग धंधों को भी बढ़ाएगी जो अभी तक नहीं के बराबर हैं। भारत की दृष्टि से कुटीर उद्योग बड़े उद्योगों की उपेक्षा अधिक लाभदायक है। पहली बात तो यह है कि भारत एक गरीब देश है और उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वह बड़े उद्योगों के लिए पर्याप्त संख्या में बड़ी बड़ी मशीनें मंगवा सके। बड़े उद्योगों के लिए बहुत बड़ी बड़ी महंगी मशीनों की आवश्यकता होती है, जबकि कुटीर उद्योग छोटी छोटी और सस्ती मशीनों से चल जाते हैं। कुटीर उद्योगों के लिए ना तो बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनानी पड़ती हैं और ना ही बहुत महंगी मशीनों की ज़रूरत पड़ती है। अतः ये उद्योग छोटे छोटे गांव में भी प्रारंभ किए जा सकते हैं। कई उद्योग तो इतनी थोड़ी पूंजी से भी शुरू किए जा सकते हैं कि उतनी पूंजी प्रायः हर किसी व्यक्ति के पास होती ही है। कुटीर उद्योगों में दूसरी बड़ी सुविधा यह है कि इनमें बहुत अधिक मजदूरों की आवश्यकता नहीं होती। एक परिवार के सदस्य ही उस उद्योग को चलाने के लिए पर्याप्त होते हैं। घर के सब सदस्य उस काम में हिस्सा बटा सकते हैं। बड़े उद्योगों में प्रत्येक मजदूर को कोई विशेष कार्य सीखना होता है और उस काम में कुशलता प्राप्त करने में उसे काफ़ी समय लग जाता है। तीसरी चीज जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा वह यह है कि जो विचार और सुझाव आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं वे एक पवित्र, शुद्ध और जनता व प्रांत के हित को ध्यान में रखकर ही प्रस्तुत किए गए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिना किसी दलगत भावना के शिकार हुए आप उनकी जांच करेंगे और यदि वे जनहित की कसौटी पर खड़े उतरें तो उन पर कार्रवाई करेंगे। महोदय, इस संबंध में दिन प्रतिदिन बढ़ने वाले
भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए